अच्छा मुझे आप लोगों ने ना एक बात जरूर बतानी है। रफे का आज क्लास का एंड डे था, अब यूनिफॉर्म चेंज हो जाएगी तो कह रहा है ये किस किस से साइन करवाए पहले ये सब मेरे दोस्त हैं। और आज आपको मैं बताऊं, मैंने ना सैरी की नहीं, मैंने बिल्कुल भी सैरी नहीं की, सिर्फ पानी पिया और मैंने सैरी जो है ना वो मतलब रोजा रख लिया। कह रही थी क्या क्या बना रही मैंने, कहा वही जो चीजें बनती हैं। हाँ कहती है मुझसे दस रोल से अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो हम सैरी टाइम पे मिल रहे हैं आपसे। सैरी का टाइम हो गया है और सब जो है वो सैरी कर रहे हैं। सैरी में है हमारे पास दही भल्ले, शाम की इफ्तारी के कबाब, सालन और पराठे। तो सब जो है सैरी कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे होंगे लाजमी। और आप लोगों ने अगर ज्वाइन करना है तो आप लोग भी कर लें। तो बस हम अपनी सैरी की शुरुआत करते हैं। मेरा कुछ ज़्यादा खाने को दिल नहीं कर रहा था, सिर्फ मैं दही और पराठा खाऊंगी। एंड फ्रेंड्स, अब जो है ना वो सुबह आ गई है, हम आपसे सुबह मिल रहे हैं क्योंकि सैरी कर। मैं सैरी के टाइम में ना बहुत लो थी, बहुत नींद आ रही है। तो मैंने जैसे सैरी की नमाज़ पढ़ी और फिर मैं सो गई। तो वैसे हम सुबह मिल रहे हैं और अभी जब हम उठे तो बाहर क्या देख रहे हैं कि बाहर तो हो रही है बहुत बारिश, खत्म आ गई। ये देख सकते हैं अभी बाहर बारिश हो रही है। अब मुझे टेंशन हो रही है कि मैं कैसे जाऊंगी पढ़ाने, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। अल्लाह जाने पता नहीं क्या, कैसे जाऊँ मैं। बाहर तो बारिश हो रही है, मम्मा को जाके बताते हैं अब कैसे जाएँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, कैसी हैं? ठीक है जी। मम्मा बाहर तो बारिश हो रही है, मैं कैसे जाऊँ, मुझे इतनी टेंशन हो रही है। पहले ही आपको पता है इफ्तारी की वजह से इतना कम टाइम होता है, बहुत शॉर्ट टाइम होता है। मेरे पर ही बर्डन होगा और तो कुछ नहीं। पढ़ाना पेपर है ना, बस दो दिन के रह गए पेपर, तो फिर हम लोग फ्री हो जाएंगे। और अब जो है ना हम वेट करेंगे बारिश के रुकने का, बारिश रुके तो फिर हम जाएं और जाके जल्दी पढ़ा के आएँ, क्योंकि फिर इफ्तारी के लिए आना होता है, इफ्तारी की तैयारी करनी होती है। सो लेट्स सी कब बारिश रुकती है और फिर हम जाते हैं। और अभी जो है ना हम आ गए हैं और सबरीना खाला यहाँ पर कटिंग कर रही हैं इफ्तारी की तैयारियाँ। हाँ। ये मुझे लगता है मिक्स पकौड़ा के लिए है ना, ये मिक्स पकौड़े, ये नॉर्मल जो आलू वाले खाते हैं, ये सैंडविच बनने लगे। अरे वाह, आपके क्लब सैंडविच बहुत मजे के होते हैं। सूप चाट बना कर रखती है। हमारे तो अभी नहीं शुरू हुआ ये काम, नहीं शुरू हुआ अभी हमारे। ये देखिए, अरे वाह इतनी जल्दी यार। कल पता क्या हुआ? क्या हुआ? शाम के टाइमिंग ऐसे हुए हैं कि वो होते हैं ऑफिस की छुट्टी का टाइम। हाँ। तो मैं जब इसको छोड़ने के लिए जाते हैं तकरीबन, मतलब आजकल सिर्फ एक सवा घंटे के लिए बुला रहे हैं ना। अच्छा, तो पौने चार बजे मैं निकलती हूँ, तो चार बजे ऑफिसों से छुट्टी होती है। ओ हाँ। तो भी कल जल्दी आ गए, जैम पैक था कल जाते हुए भी और आते हुए भी। मैं जब तक आई ना, मतलब इसको छोड़कर, तो छुट्टी का टाइम हो चुका था, यानी 10 मिनट बाद छुट्टी थी। फिर मैंने हमारे भाई से कहा, मैं हमारे भाई गाड़ी पे नहीं जाना, बाइक पे जाएं और इसको लेकर आए, आसान होता है। तो इसलिए और कल ना हम पहला रोजा था और लेट हो रहे थे हर चीज में, मतलब पैनिक हो रहा था, पैनिक हो रहा सच में। मैंने इसलिए मैंने कहा आज ना थोड़ा प्रॉपर, हमारे का मिक्स पकौड़े नहीं बन पाए ना, यही हमारे मिक्स पकौड़े रह गए थे, हमारी गैस चली गई थी ना कल, काम है ना उसका इशू होता है ना। एंड इफ्तारी पे गैस चली, हमारी इस वक्त नहीं आ रही गैस, इसलिए मैं रुकी हुई हूँ। हमारे यहाँ कल आ रही थी इस टाइम की, देखो मैंने उबाले तो वो ये सिर्फ ना गर्म पानी में रखे रखे गल गए, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन ये आपने अच्छी टेक्निक अपनाई, कुकर नहीं बोलना क्या चक्कर है, तो वो देखा तो गैस गई थी, पता नहीं क्या होगा। कल हम शुक्र है सिलेंडर था, तो मैं क्या सब फोन पे बताए थे हमारे घर गैस नहीं आया, हमें देखा अल्लाह का शुक्र हमारे घर तो आ रही है, हम तो बहुत खुश हैं। लो भाई चली गई, कर लो अब काम, इतनी परेशानी। अल्लाह ताला बेहतर करे, अल्लाह करे आ जाए आपके भी और हमारे भी। नहीं वैसे शर्म करनी, मम्मी याद आ रही है, मम्मी कहती काफिर बैठ गए हमारे महकमों में आप। अम्मी हमारी अम्मी जो थी, हाँ। वो जब ऐसा कोई काम होता था इतना दुख करती थी, असल में काफिर मुसल्लत कर दिए गए हम पे, तो इसलिए हमारी अम्मी होती ना तो जन जल भूल के बेचारी का बुरा हाल हो चुका। सबसे
सही बात है, यही हाल है। मौसम अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छा, बहुत। मैं कह रही हूँ मैंने अपनी ज़िंदगी के पहले रोज़े हैं सर्दियों में मेरे, मतलब मैंने पहले कभी ज़िंदगी में सर्दियों में रोज़े। हाँ, 27 ईयर्स के बाद आते हैं एक सीज़न में मेरे तो। हाँ, मेरे जल्दी आ गए। नहीं तो नहीं, मतलब ये कि सब कह रहे थे कि जो गर्मियों के रोज़े ख़त्म हुए ना, वो अब अगले 27 ईयर्स के बाद आएंगे। अच्छा, फिर तो अल्लाह पता नहीं हम होंगे नहीं होंगे। नहीं नहीं, अल्लाह कहते हो के, लेकिन पापों की तरफ जा रहे हैं बुढ़ापे वाले हालत में। और आज तो भाई रबिया माशाल्लाह पिंकी पिंकी बनी हुई, इतनी प्यारी लगी थी तो देख लो। वालेकुम अस्सलाम, आज तो बहुत प्यारी लग रही है, फ्रेश फ्रेश भी। कल तो बहुत डाउन थी, आज माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। पेपर कैसा हुआ? अच्छा, अच्छा हुआ, आपका तो फेवरेट सब्जेक्ट था ना, है ना? इसका ना असल में था मैथ का, इसको मैथ बहुत पसंद है, तो इसका शुक्र अच्छा हो गया। बस अब दो पेपर रह गए हैं, फिर हो जाएगी फ्री इंशाल्लाह। आज के बाद एक रह जाएगा, अब आज तैयारी करेंगे, फिर एक कल लास्ट, फिर परसों से आज़ाद। ठीक है ना? फिर जो मैं तो रात तक उठे रहे तैयारी करते हैं। हाँ, फिर सैटरडे तक उठे रहेंगे ना? हाँ उठे रहेंगे, हम तो खुद उठे हुए थे रात को भी, फिर आप लोग भी उठे रहना। हाँ हमारे पेपर शुक्र है ख़त्म हो गए ना, अब हम फ्री हो गए। पढ़ाई खत्म होती है? नहीं अभी नहीं होगी, अभी तो है एक महीना। क्या राफे का आज क्लास का एंड डे था, अब यूनिफॉर्म चेंज हो जाएगी तो कह रहा है ये किस किस से साइन करवाए पहले ये सब मेरे दोस्त हैं, ये मैंने टीचर से करवाए, ये भी नहीं, हाँ ये दो मैंने टीचर से कराए थे, ये भी मैंने टीचर से कराए थे, टीचर ने गंदा मार दिया था, ये टीचर गंदा मार दिया, ये फिर टीचर ने दिया। अरफा ने कहाँ किया? ये अरफा का छोटा सा, अरफा छोटा सा, ये सब मेरे दोस्तों का। मैं भी लिख दूँ? पर एक बच्चे ने मेरा नाम ही लिख दिया यहाँ पर, उसको अपना नाम लिखना चाहिए था। मैं कहाँ लिखूँ राफे, कोई अच्छी जगह यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं। सबसे अच्छी प्यारी राइटिंग वहाँ के सामने गंदा मुंडा लिखा है, ये किसने लिखा है? ए पता नहीं, मुझे भी याद भी नहीं है, इतना सब लोगों ने तो लिखा था, सब बच्चों ने अपना भी ये लिखा है। हाँ तो जकी कर रही है, मैंने भी लिखी, तुमने नहीं कर लिया? कर लिया, तुमने भी कर लिया, अब जकी कर रहा है, सब जकी लिख रही है। हम आज दिखाओ अली ने क्या किया, राफे मेरा नाम नहीं लिखा अपना, इस पे लिख दे, ये पकड़ो, मैं इसी पे अपना नाम क्या लिखूं, ना ना मैं ना लिख दूं, ये आपका साइन है? हाँ डन, ठीक है ना, डन। मार्कर कब कम गया? बस रुपया बस, डन डन डन। अरफा राफे अब अपनी अपने कपड़े लेके यहाँ से जाएं, जा रहा हूँ कमाल के से। ओए मेरा खैर कितने खराब की थी जकी, मैंने नहीं किया, नहीं रबिया मैंने तो साइड पे दिए, बेवकूफ मेरा 25 तुम्हारी वजह से गायब हो गया, ये जल्दी पहले लिख चाहिए, बस बस चलो बस कर दो, उस बेचारे को छोड़ दो, निकी बेचारी लिख क्या रही है, सिर्फ नाम लिख रही है, कोई विश ही दे दे, अल्लाह अकल दे दे। मैं आपकी किडनी की तरफ आपको विश दे रही हूँ, बदली हुई थी अपनी जिम्मेदारी बी बी ये क्या लिखा, बेस्ट ऑफ लगा आपने, बेस्ट ऑफ लिख लिखा है, और किसी और ने भी लिखा था मैंने। दिल राफे तुम्हारा है, तुम्हें ऐसे ही दिल मिलने हो गया, छोटे छोटे से, छोटे छोटे से, इसके भी छोटे छोटे से दिल है बटे हुए माशाल्लाह से। सो फाइनली मैं ट्यूशन पढ़ा के घर आ गई हूँ, और आज आपको मैं बताऊँ मैंने ना सैरी की नहीं, मैंने बिल्कुल भी सैरी नहीं की, सिर्फ पानी पिया, और मैंने सैरी जो है ना वो मतलब रोज़ा रख लिया, और आप लोग के सामने उस वक्त कह रही थी मैं दही और पराठा खाऊंगी आज तो, लेकिन वो भी मुझसे खाया नहीं गया, मुझे पता नहीं क्यों भूख ही नहीं लगी बिल्कुल भी ना, तो इसलिए मैंने सिर्फ पानी पिया और मैंने रोज़ा रख लिया। अभी मैं घर आई तो मामा जो है ना इफ्तारी का सारा सामान जो है ना वो बना चुकी थी, सब कुछ जो है रेडी थी आइटम्स, तो मैंने ना मामा से कहा, मैंने कहा मामा मेरे लिए क्या क्या बना रही, मामा मैंने आपसे क्या पूछा था?
मैंने कहा बेटा जब आएगा सामने ना तो कहोगे मम्मा मुझसे तो खाया ही नहीं जा रहा, अच्छा चलो मैं बाद में खा लूंगी। नहीं 10-10 बोल रही है ना, एक समोसा हो जाएगा बस। अब नहीं तो अभी जो है ना पता क्या हो, वो ना मुजम्मिल आंटी ने जो है ना वो भेजा ये देखे मैक्रोनी भेजी है बना के ना। तो मैंने अली लेकर आया, मैंने कहा अली ने किचन में फ्रिज में जाके रख रहा, मैंने कहा अली ला के मेरे सामने दस्तखान पे रख दो। ऐसी आदत हो रही है ना, ऐसी हाल है बस मेरा, पता नहीं क्यों। हालांकि मुझे, मैं आपको बताऊं, वो जो शदीद वाली भूख होती है ना वो नहीं मुझे लग रही, लेकिन वो बस ऐसे ही के बाया कह रही मम्मा रो पकौड़े बहुत समोसे बनाया तो मेरे लिए 10 समोसे बना दे। बहुत लग ही नहीं रहा, अल्लाह का शुक्र है ना, प्यास लग रही है और भूख भी अगर कुछ लग रही है तो वो बिल्कुल माइनर। सबके साथ ही होता है ये चीज़, तो भाई इस चीज़ में झूठ नहीं बोला जाता, वैसे रमज़ान है ये झूठ बोलना भी नहीं चाहिए कि नहीं भाई हमें तो बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है मम्मा, ऐसा तो नहीं भाई, ये तो झूठ है ये भी अगर हम बोलें तो। लेकिन हाँ वैसे एक बात है, बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है, नहीं लग रही बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, थोड़ा सा महसूस होता है और ऐसा नहीं है कि बहुत ही बुरी हालत। वो मैं बताऊँ भूख नहीं लग रही, वो जो हमें पूरे दिन में खाना, मौसम भी ऐसा है ना कि बर्दाश्त भी सब कुछ हो रहा है। नहीं हमें भूख नहीं लग रही, वो जो हमें पूरे दिन में कुछ ना कुछ चटर मटर करने की आदत है ना, ये वो चीज़ है। बहुत अच्छे अल्लाह का शुक्र, आज दूसरा रोज़ा है और बहुत अच्छा, बहुत लाइटली सा, अल्लाह का शुक्र है। मौसम तो आज फिर बारिश हो गई, मौसम और अच्छा हो गया, बहुत बार मैं तो आज भी जैकेट जो है ना पहन के गई थी, मकते पहन के, और मुझे उसमें फिर ठंड लग रही थी हल्की हल्की। बस हम बाबा का वेट कर रहे हैं, बाबा आए तो हम अपनी बाकी चीज़ें कंप्लीट करें। एंड फ्रेंड्स बाबा फाइनली आ गए, अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? रोजे कितने अच्छे जा रहे हो ना वैसे, है ना, अल्लाह का शुक्र। रोजे इतने ठंडे ठंडे, मैं जिंदगी में पहली दफ़ा देखे हैं ठंडे रोजे मैंने, हाँ हमारी जिंदगी के पहले रोजे। और ये देखें आज तो हमारी माशाल्लाह से अफ्तारी रंगारंग हुई पड़ी है, ये मोजेज़ वगैरह ने जो हैं ये भेजे, कॉकटेल सैंडविच है ना, ये कितना यम्मी लग रहा है। अफ्तारी से पहले आ गई चीज़ें आज। देखो मुझे लगता है अल्लाह ताला ने ना सबके जो घरों से ना मेरे लिए भेजी, जिनको पता है मैंने कुछ नहीं खाया। हाँ जैसे भाई मामा ने बनाया नहीं ना, भाई मामा ने मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं, देखें हाँ ज़रा, पकोड़े, ये मिक्स पकोड़े, आलू वाले पकोड़े, समोसे, रोल मुजम्मिल आंटी ने भेजे हैं। ये किसने भेजे हैं? ये मोजिस की मामा ने, वो जिनके दादा अबू जो है ना, हाँ आपके फौरन सबसे पहले कमेंट करते हैं। मोजिस के जो दादा है ना वो मैं कहती हूँ मेरे नंबर वन सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी हर वीडियो देखते हैं, मेरी हर वीडियो पे कमेंट लाजमी करते हैं। और मैं बताऊँ उन्हीं की जो उनका जब कमेंट आता है ना मुझे हौसला अफजाई होती है। हाँ मीना ठीक है, कोई है तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं सब्सक्राइबर्स जो है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई भी कमेंट करे, और ख़ास तौर पर जब मोजिस के दादा, तो हर मेरी जो शॉर्ट्स वीडियो होती है ना उस पर भी लाजमी कमेंट करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। नंबर वन सब्सक्राइबर है वो मैं। बहुत 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 शुक्रिया। और भाई मुझे तो देख देख बस अब खुलने वाला है रोज़ा, 2 मिनट ये देखें, 2.5 मिनट तकरीबन 2.5 मिनट रह गए, तो बस अब हम अपने अफ्तारी का वेट करते हैं। अफ्तारी का टाइम जैसे ही हो तो फिर हम खाना खाते हैं। एंड फ्रेंड्स हम लोगों ने अफ्तारी वगैरह कर ली थी, नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं सो गई थी, और अब जो है ना मैं ईशा की नमाज़ पढ़ने लगी थी। और आज मुझे पता चला, ये मैंने नेट पर देखा, तो मैंने बल्कि नेट पे क्या देखा, मैंने वो जो जुलकरनैन के ना व्लॉग्स देखे, तो उस पर कमल ने सेम यही पहना हुआ था, और ये जो ये इलास्टिक होता है ये पीछे की तरफ जाता है ताकि ये ज़रा सही तरीके से बंधा रहे। तो मुझे उसके व्लॉग से पता चला कि भाई ये तो ऐसे पहनते हैं, लेकिन आज फिर अब मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये है मेरी, क्यों अच्छा लग रहा है ना अम्मा, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अब बताएं मुझे, मैंने खाया इतना अफ्तारी में, कितना खाया, कितना सारा खाया बताएं ज़रा, कितना सारा खाया? खाया ना मैंने, ज़्यादा खाया मैंने, उतना ही खाया जितना खाती हूँ मम्मा। ऐसी भी बात नहीं है, मैंने खाया तो सही तरीके से, साथ ही जो है ना वो सो गई थी, तो मेरी नींद पूरी हो गई, अब तो मैं फुल चट आके मेरी खुली भी हूँ, मैं जागी भी हूँ, तो बस अब ईशा की नमाज़ पढ़ते हैं हम लोग। बात असल में ये है कि ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे, थोड़ी सी बातें करेंगे,
कुरान वगैरह पढ़ने का टाइम ना यही होता है कि मतलब जो है ना ये जो रात से लेकर सहरी तक का टाइम ना, तो कुरान पढ़ लेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करते, ब्लॉगिंग भी हम जारी रख रहे हैं ताकि ये भी चीज़ ना हमारी छूटे और आप लोग से कनेक्टेड रहें और बातें करने, क्योंकि रमज़ान का जो मतलब ही यही है कि बातें करें हम। तो बस आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड लेते हैं, होपफुली आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं अपना ब्लॉग डालूँ। अच्छा, मुझे आप लोगों ने ना एक बात ज़रूर बतानी है कि मैं अपने ब्लॉग डालने के टाइमिंग्स क्या रखूँ, मतलब आप लोग किस टाइम जो है ना मेरा ब्लॉग देखना पसंद करेंगे, अफ्तारी से पहले या अफ्तारी के बाद या सहरी के वक्त, प्लीज़ मुझे सर आप लोगों ने कमेंट्स में ये बात ज़रूर बतानी है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।